वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग की तरह स्टार्ट किया जाए। आज का ब्लॉग था, संडे का दिन है तो संडे का दिन छुट्टी का दिन था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो सुबह से जो था उठी थी आज थोड़ा लेट, नाश्ता वाश्ता किया, चाय वगैरह पी, उसके बाद जो था स्कूल का कुछ काम था मैंने वो अपना सारा ख़त्म किया। उसके बाद आज फिर अगेन आज मैं लाहौर है, मैं लाहौर में जाने की तैयारी करनी है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर अपना शावर लेके आ चुकी हूँ। इसके बाद मैंने करने हैं कपड़े प्रेस, जो है मैं अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए प्रेस करने के लिए निकाल लिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या रूटीन होगी, तो जो जो होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अपने मेहनत के लिए मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। तो साथ ही साथ मैंने सोचा क्यों ना अपना सुबह स्कूल के प्रेस किया जाए, क्योंकि वापस आने के बाद इतनी थकावट होती है कि बंदे से कोई काम नहीं होता है, क्योंकि टाइम पता नहीं इतना हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों काम एक साथ ही निपटा लिया जाए, कर तो वैसे भी रही हूँ तो क्यों ना सुबह के लिए भी प्रेस किए कर लिए जाए। तो फिर मिलती मैं आपसे कपड़े प्रेस करने के बाद। फ्रेंड्स यहाँ हो चुके हैं मेरे कपड़े प्रेस। एक सूट ये रहा, ये था चाचा का, इनका भी प्रेस कर लिया, और एक ये है मेरे हाथ के अंदर जो मैं कबर्ड के अंदर अभी डाल दूँ के सुबह के लिए, और ये अभी जो मैं मेलाद में पहन के जाऊँगी। तो सारे कपड़े हो चुके हैं प्रेस। अब देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं। मुझे लग रही है बहुत शदीद भूख। अब देखते हैं भूख का इलाज क्या है, क्या खाते हैं हम। फ्रेंड्स भूख लग रही थी, कुछ तो बनाना था, कुछ अवेलेबल नहीं था, तो ये मैगी अवेलेबल थी। मैगी मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी लेके रख लेती हूँ, कभी बंदे को दिल करे या भूख लगे तो वो खा ले और बना ले, जल्दी से भी बन जाती है। तो मेरी सिस्टर जो है उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद थी, और तो वो खाती थी, वो बनाती थी, तो उसके साथ हम भी थोड़ा चख लेते थे। लेकिन आज मुझे भूख लग रही थी तो ये अवेलेबल थी घर के अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जल्दी से बना के खा लिया जाए। मेलाद में खाना लेट स्टार्ट होगा, ज़ाहिर बात है मेलाद जब तक वो ख़त्म होगा तब तक खाना स्टार्ट होगा, तब तक तो भूख का कुछ हल निकालना है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैगी बना के खा ली जाए। तो फिर जब तक की मैगी होती है रेडी, फिर मिलती हूँ मैं आपको इसके रेडी होने के बाद। दो कप पानी जो था वो मैंने बॉइल होने के लिए रख दिया है, जब ये बॉइल आएगी तो मैगी इसमें डाल दूंगी और ये झटपट से मैगी जल्दी से हो जाएगी रेडी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो चुकी है मेरी मैगी रेडी। मैं थोड़ा पानी इसलिए ज़्यादा रखती हूँ कि मुझे इसका पानी पसंद है, अच्छा लगता है पानी, टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैगी रेडी हो चुकी है, तो मैंने थोड़ी सी टेस्ट भी कर ली थी, तो बहुत मज़े की थी, बहुत यम थी। तो फिर मैं इसको इंजॉय करती हूँ, आप भी आ जाइए मेरे साथ खा लीजिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ये सब आपकी प्यार का नतीजा है कि मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मैं ये करती हूँ अपनी मैगी इंजॉय। मैगी इंजॉय करने के बाद फिर जो है मैं होंगी रेडी। तकरीबन 7 बज चुके हैं अभी, ये इंजॉय करने के बाद फिर मैं रेडी होंगी, फिर मिलती हूँ आपके समय रेडी होने के बाद। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, अब हम यहाँ निकलने की तैयारी करते करते हमें वही 8:30 हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हम निकल रहे हैं, फुल ड्रेस मैंने आपको प्रेस करते हुए दिखाया था। तो फिर मिलती हूँ आपसे वहाँ पर पहुँच के, देखते हैं वहाँ क्या है क्या नहीं है, तो फिर जैसे भी होगा मैं आपको उससे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम निकल चुके हैं जाने के लिए, तो फाइनली रेडी शेडी होके निकल गए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पहुँच चुके थे, बस थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर मेलाद शुरू हुआ, तो मतलब इतना लेट नहीं हुए थे हम मेलाद के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे आ गए थे। तो बहुत अच्छा था, बहुत सुकून रहा था और मज़ा भी आ रहा था मेलाद सुनने के अंदर। ये मेलाद जो था वो मेरी बहन के घर पर था, मेरी बहन मैरिड है तो उसके ससुराल में मेलाद था, तो हम लोग गए थे वहाँ पर और बहुत मज़ा आ रहा था। मेलाद पढ़ने वाली भी बहुत अच्छी थी और इनका मेलाद हम अक्सर सुनते रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे थी थोड़ी कवाली नाइट, यहाँ पे मतलब कवालियाँ हुई थी, कवाली पढ़ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, महफिल समा था यहाँ पे, तो कवाली सुन के भी बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ा जेंट्स का भी था तो हम लोग भी सुन रहे थे यहाँ बैठ के, तो अच्छा लग रहा था, एक समा सा एक माहौल बन गया था पूरा यहाँ पर। तो सुनने में जो था बहुत मज़ा आ रहा था, और अक्सर मतलब अपने मेलाद के अंदर ये कवाली करवाते हैं यहाँ पे, और कवाली भी बहुत अच्छी अच्छी पढ़ रहे थे कि दिल को सुकून मिल रहा था, अच्छा लग रहा था, कहता था सुनते जाएं यहाँ पे। तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था यहाँ पे और बहुत
मज़ा भी आ रहा था सुनने के अंदर, तो अच्छा लग रहा था सुनते हुए। तो ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो था ये पूरा था अच्छा खासा मलाह मतलब यहाँ पे चला था। और ये था मेरा छोटा भांजा जो मैं 14 अगस्त हॉस्पिटल में आपके साथ शेयर की थी, तो ये पैदा हुआ था अचानक, बहन की कंडीशन ख़राब हुई थी तो इस वजह से। फिर इसके बाद ये है मेरा बड़ा भांजा, ये मेरी जान है, तो पहला है तो इस वजह से। तो फिर तो फ्रेंड्स खाना ही थका के घर पे जो है वापस आ चुके हैं, खाना भी खा लिया था, खाने में जो थी बिरयानी बना पाए फेवरेट थी। तो फिर इसी ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मुझे और मेरे पेरेंट्स को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।